दोस्तों, मैं ओम प्रसाद, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ डायनेटेक का V7000 एम्पलीफायर। ये क्लास डी एम्पलीफायर, क्लास एच एम्पलीफायर है, ठीक है। इसमें आप फ्रंट पैनल देख सकते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है। क्लिप है, लिमिट है, सिग्नल है, प्रोटेक्ट मोड है, स्टेरियो मोड, पैरेलल मोड और ब्रिज मोड। दोनों चैनल का दो साइड पे दो लिमिटर दिया गया है। इसका ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। इसका अंदर का देख लीजिए, इसका पावर ट्रांसफार्मर। इसमें 14 मॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। एक चैनल पे 14, दूसरे चैनल पे भी 14 मॉस्फेट लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके इंटरनल पार्ट्स वगैरह। इसका इनपुट कार्ड है, यहाँ पे इसका एक प्रोटेक्ट के लिए एक MCB दिया गया है, देख सकते हो। MCB प्रोटेक्ट के लिए। यहाँ पे पीछे का जो बैक पैनल है, देख सकते हैं दो एक्सटर्नल, इसमें इनबिल्ट क्रॉसओवर है जो आप बेस बजाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको सबवूफर मोड बोलते हैं, जो स्पीकर कनेक्टर और ये बाइंडिंग बोल दिया गया है। तो अभी इस एम्पलीफायर का कंपनी के हिसाब से वाटेज में बता दे रहा हूँ। ये डायनेटेक का है, V7000 का। ये आपको देता है पावर 1400 वाट देता है 8 ओम्स पे पर चैनल, 2200 वाट देता है 4 ओम्स पर चैनल और 3520 वाट देता है 2 ओम्स पर चैनल। ब्रिज मोड पे 4400 वाट देता है 8 ओम्स पे और 4 ओम्स पे देता है 7040 वाट, 7040 वाट। तो ऐसे हो गए 7000 वाट का एम्पलीफायर है। तो अभी हम इसका RMS टेस्ट करेंगे विथ ऑसिलोस्कोप। मैं यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लगा दिया हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इनपुट के लिए इसमें 1 kHz का फ्रीक्वेंसी मीटर से मैं दे रखा हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको शो करेगा 1 kHz का फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम इसका गेन को थोड़ा खोलते हैं और देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए इनपुट नॉब को जब खोला मैं, यहाँ पे लिमिट आके हो गया। तो इसको बंद करके देखते हैं पावर कितना दे रहा है, 99.3 वोल्ट, ठीक है। अभी देखते हैं फ्रीक्वेंसी कहाँ पे कट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक साइन वेव दिखा रहा है। RMS पे आप देख सकते हैं जो VRMS लिखा हुआ है 89 वोल्ट। थोड़ा इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा गेम खोलने के बाद देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कट हो गया 109 वोल्ट, 110 वोल्ट। देखिए अभी इसको हो गया, तो RMS 100 वोल्ट आ रहा है। तो 100 वोल्ट ये RMS निकल रहा है इसका आउटपुट में 8 ओम्स पे। वहाँ पे 8 ओम्स का लोड दिया गया है, ठीक है। वोल्ट मीटर पे 91 शो कर रहा है और एम्पियर इसमें आ रहा है 7 एम्पियर लोड ले रहा है। तो ये हो गया आपका एम्पलीफायर का लोड। तो अभी इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऐसे बनेगा, RMS इज इक्वल टू V² / R, वी इज इक्वल टू 100 वोल्ट, R इज इक्वल टू 8 ओम्स। 100 × 200 / 8 तो निकल के आया 1250 वाट एट 8 ओम्स। तो दोस्तों अभी आप जान सके कि ये डायनेटेक का V7000 एम्पलीफायर जो 14 MOSFET वाला है, BJT वाला है ट्रांजिस्टर, तो ये 1250 वाट देता है 8 ओम्स पे। और मेरा घर का जो वोल्टेज है इसको 230 चाहिए, मेरा अभी 215 वोल्टेज है। तो मतलब करीबन 1350 वोल्ट दे सकता है। तो कंपनी के हिसाब से, मेरे हिसाब से अब तक का सबसे अच्छा एम्पलीफायर V7000 डायनेटेक का है। तो मेरे हिसाब से NX Audio MT1600X खरीदने से बेहतर है कि आप डायनेटेक ले लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसका देख सकते हैं यहाँ पर भी पी के, ओरिजिनल पी के देखिए, वहाँ तक साइन वेव देखिए, वहाँ हो गया स्क्वायर वेव देखिए। तो यहाँ पे आप स्क्वायर वेव पे चलाओगे तो आपका स्पीकर कटेगा। देखिए जब इसका क्लिप आ गया 110 वोल्ट तक जाने से इसका क्लिप आ जाता है, यहाँ पर भी वोल्टेज देख सकते हैं आप।
इस तरह सा वीडियो देखने के लिए मेरे लाइक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के शेयर करना। तो आगे मैं इस तरह से और सारा बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ डायनाटेक के ऊपर। थैंक यू।